हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी, और आज हम अपना एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़। ओके, सो व्हाट इज़ एनवायरमेंटल इशू? में हमने क्या क्या पढ़ना है? एनवायरमेंटल इशू में हम पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, फैक्टर्स कॉजिंग पोल्यूशन, हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसमें हमारा टॉपिक आता है, दैट इज़ पोल्यूशन। व्हाट इज़ पोल्यूशन? पोल्यूशन इज एनी अनडिज़ायरेबल चेंज। अनडिज़ायरेबल चेंज का मतलब है जो कि आप नहीं चाहते थे, द मीन्स विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल, जो आपकी मर्जी नहीं थी या जो नेचर की मर्जी नहीं थी, बट स्टिल कोई ऐसा चेंज आया हुआ है हमारे एयर, लैंड, वाटर या सॉइल की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। मतलब कोई ऐसा चेंज विच वॉज नॉट डिज़ायरेबल, एक अनडिज़ायरेबल चेंज किसमें? हमारे एयर, लैंड, वाटर, सॉइल, इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में, इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में और इनके जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब में एक ऐसा अनडिज़ायरेबल चेंज आया है जिस चेंज के पास पोटेंशियलिटी है, मींस जिस चेंज में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो क्या कॉज कर सकता है, हार्म कॉज कर सकता है, नुकसान कॉज कर सकता है, किसको? टू द लाइव्स ऑफ, किसकी जिंदगियों को? ह्यूमन की और बाकी जितनी भी डिज़ायरेबल स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है? तो व्हाट इज़ पोल्यूशन? इट इज़ एनी अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। और इस चेंज में क्या होती है? इट हैज़ द पोटेंशियलिटी ऑफ कॉजिंग हार्म। हार्म किसको? टू द लाइव्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर डिज़ायरेबल स्पीशीज। ओके, दिस इज पोल्यूशन। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है, दैट इज पोल्यूटेंट। तो व्हाट इज पोल्यूटेंट? पोल्यूटेंट एक ऐसा एजेंट है जो पोल्यूशन कॉज करेगा। लाइक ये जो अनडिज़ायरेबल चेंज आया हुआ है, ये किसी की वजह से तो आया होगा। लाइक हमने एयर में, लैंड में, वाटर में कुछ ना कुछ ऐसा ऐड किया होगा जिसकी वजह से उनके इतने सारे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। तो वो चीज़ हमने क्या ऐड की है, वो एजेंट क्या है? वो एजेंट है पोल्यूटेंट। तो व्हाट इज़ पोल्यूटेंट? इट इज़ एन एजेंट दैट कॉजेज पोल्यूशन। ओके, अभी जो एजेंट है ये एक सबस्टांस भी हो सकता है, जैसे ऐश, फ्लाई ऐश। ये एजेंट जो है वो एक केमिकल भी हो सकता है, ठीक है, दैट इज़ ओजोन या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये एजेंट कोई फैक्टर भी हो सकता है, जैसे रेडिएशन, नॉइज़, हीट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, कोई भी फैक्टर, फोर्स, कुछ भी, कोई भी फैक्टर हो सकता है। तो पोल्यूटेंट क्या है? इट इज़ एन एजेंट दैट कॉजेज पोल्यूशन। इट कैन बी अ सबस्टांस, इट कैन बी अ केमिकल, इट कैन बी अ फैक्टर ऑल्सो। अब पोल्यूटेंट के टाइप्स हैं, मतलब अलग अलग एजेंट्स हैं जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, अलग अलग टाइप का पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो वैसे ही टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट इज़ द प्राइमरी पोल्यूटेंट, देन सेकेंडरी पोल्यूटेंट, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी पोल्यूटेंट। सो व्हाट इज़ प्राइमरी पोल्यूटेंट? प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट में उसी फॉर्म में रहेगा जिस फॉर्म में वो प्रोड्यूस होगा। लाइक जैसे कि अगर कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है एनवायरनमेंट में, सपोज़ किसी भी फॉर्म में, तो जिस फॉर्म में वो प्रोड्यूस हो रही है वो उसी फॉर्म में रहेगी, उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि वो एक गैस से दूसरी गैस में कन्वर्ट होगी या एक गैस से वो सॉलिड बन जाएगी या सॉलिड से लिक्विड, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। प्राइमरी पोल्यूटेंट वो पोल्यूटेंट है जो एनवायरनमेंट में जिस फॉर्म में बनेगा उसी फॉर्म में वो परसिस्ट करता है, मींस उसी फॉर्म में वो स्टे करेगा। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनती है वो एनवायरनमेंट में उसी फॉर्म में रहती है, वो चेंज नहीं होती, वो अपने आप को चेंज नहीं करती अंटिल अनलेस हम कुछ ना करें। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्राइमरी पोल्यूटेंट है विच परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म इट इज़ प्रोड्यूस्ड। ओके, सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, ये बनता कहाँ से है? प्राइमरी पोल्यूटेंट से। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है उसी में कुछ कुछ चेंजेस आएंगी, उसी में कुछ कुछ हम रिएक्शंस करवाएंगे, और जब चेंजेस और रिएक्शंस के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और ये प्राइमरी पोल्यूटेंट से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है।
प्राइमरी पोल्यूटेंट तो टॉक्सिक है ही, लेकिन सेकेंडरी पोल्यूटेंट जब बनता है प्राइमरी से, वो प्राइमरी से भी ज़्यादा टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो ये बनता कैसे है, कुछ चेंजेस आप ला सकते हो प्राइमरी पोल्यूटेंट में, कुछ कुछ रिएक्शंस होती हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट में, जिससे कि क्या बनता है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, सिनर्जिज्म। जब भी कभी एक प्राइमरी से सेकेंडरी चीज़ बन रही है या एक प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन रहा है, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, सिनर्जिज्म। ओके, जैसे इसमें एग्जांपल है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोकार्बन्स। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं फोटोकेमिकली, मींस केमिकल और लाइट की फॉर्म में जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या बनाते हैं, पेरोक्सी एसाइल और ओजोन। मीन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स को जब आप फोटोकेमिकली रिएक्ट करवाते हो दोनों को, तो ये क्या बनाते हैं, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट्स एंड ओजोन। ये दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हैं। ओजोन जो है वो है गैस, हमारे एटमॉस्फेयर में वो प्रोटेक्टिव शील्ड का काम कर रही है, बट बेसिकली इट इज़ अ पॉइजनस गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, व्हेन दे रिएक्ट फोटोकेमिकली, दे फॉर्म पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट्स एंड ओजोन। तो ये आपके कौन से पोल्यूटेंट थे, प्राइमरी। इसको आपने रिएक्शन करवाई, चेंजेस लाई, और ये आपके दो निकल गए कौन से, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ठीक है। नंबर थर्ड इज क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। तो क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट क्या होता है, ये कोई भी एक हार्मफुल सब्सटेंस हो सकता है, ये कोई भी एक केमिकल हो सकता है, ये कोई भी फैक्टर हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली नेचर में नहीं था, दैट डजंट अकर इन नेचर, ये नेचर में है नहीं, इसको किसने ऐड किया, ह्यूमन बीइंग्स ने। क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट वो है जो नेचर में तो नहीं था या नेचर में अकर नहीं करता था, बट इट वॉज या इट इज़ एडेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इसको कौन ऐड करेगा, ह्यूमन बीइंग्स ऐड करेंगे, जैसे इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो बनाते हैं, DDT, ये जो हम केमिकल्स बनाते हैं, ये नेचर में तो पहले से है ही नहीं, ये तो हमने ऐड किए हैं। तो ये कौन से टाइप के पोल्यूटेंट हो जाएंगे, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट। तो क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट क्या होता है कि नॉर्मली ये नेचर में रहेगा, नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ नेचर, नेचर का ये नॉर्मल कॉम्पोनेंट है, मीन्स नेचर से इसको हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है इससे, बट ये नेचर में ऑलरेडी है, जैसे अच्छा है कुछ बुरा है, तो वैसे ही लाइक क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट नेचर में नॉर्मली अकर करता है। लेकिन ये पोल्यूटेंट कब बनेगा, हार्मफुल पोल्यूटेंट कब बनेगा, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। सपोज़ अगर नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन इसकी 10 something mm हो, तो अगर सपोज़ करो ये 35 mm हो गया, तो तब हम बोलेंगे कि ये क्या बन गया हुआ है, पोल्यूटेंट बन गया हुआ है। ऐसे ये कॉम्पोनेंट है नेचर का, ऐसे ये नॉर्मली नेचर में अकर कर रहा है, लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा हो गई, तो हम बोलेंगे कि ये पोल्यूटेंट बन जाएगा। नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ नेचर दैट बिकम्स पोल्यूटेंट व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स हायर देन दी नॉर्मल, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड ऐसे नॉर्मली नेचर में आपको मिलती है, लेकिन अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाए, तो इससे बहुत सारी डिजीज़ होने शुरू हो जाती हैं, बहुत हार्म हो जाता है ह्यूमन लाइफ को, ठीक है। तो वॉट इज़ क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट, नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ नेचर, इट इज़ अ नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ नेचर, बट इट बिकम्स पोल्यूटेंट व्हेन इट्स कॉन्सेंट्रेशन गेट्स हायर देन दी नॉर्मल। नाउ नेक्स्ट है हमारा डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो डिग्रेडेबल वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि जो डिग्रेड हो जाए, ठीक है, जो डिकम्पोज हो जाए। तो वॉट इज डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ऐसा पोल्यूटेंट विच डिग्रेड्स आफ्टर सम टाइम, मतलब ये ऐसा पोल्यूटेंट है जो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से डिग्रेड हो जाता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है। इधर ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने बोला, या तो वो ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाएगा, जैसे हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, या कोई भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से,
या तो वो क्या होगा, इट विल डिग्रेड थ्रू द एजेंसी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिग्रेड करने में हेल्प करेंगे, जैसे सीवेज हो गया, या जैसे लाइव स्टॉक वेस्ट, मीन्स जो डोमेस्टिक एनिमल्स का वेस्ट है वो डिग्रेड हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, या मार्केट का गार्बेज है वो डिग्रेड हो सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, ठीक है। तो वॉट इज डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, जो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से डिग्रेड हो जाएगा। अब ये जो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है, इट गेट्स ईजिली डिस्पोज ऑफ, ये मतलब बहुत जल्दी डिस्पोज ऑफ भी हो जाता है, मतलब थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, या अगर आप इसको ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू भी पास करोगे तो ये जल्दी डिस्पोज हो जाता है एंड ईजिली डिस्पोज हो जाता है विदाउट कॉजिंग एनी बिग अमाउंट ऑफ या ह्यूज अमाउंट ऑफ पोल्यूशन, ओके। अब जो ये डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट होता है, इसको सबसे इसकी खास बात क्या होती है कि आप इसको एक रिसोर्स में भी टर्न कर सकते हो, आप इसे रिसोर्स में भी बना सकते हो, जैसे कॉम्पोस्ट बना सकते हो, मैन्योर बना सकते हो, फर्टिलाइजर्स बना सकते हो इन सब चीज़ों से। कौन से फर्टिलाइजर्स? जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, ओके। तो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो है, इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ रिसोर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कॉम्पोस्ट और मैन्योर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। तो नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट क्या होगा? जो ईजिली डिग्रेड नहीं होगा, विच डज नॉट ब्रेक डाउन, जो ब्रेक डाउन नहीं होगा, या वो हार्मलेस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा अगर आप उसको नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू पास करवाओगे। इट डज नॉट ब्रेक डाउन और इट डजेंट गेट कन्वर्टेड टू हार्मलेस स्टेट, ठीक है। इसीलिए इस नॉन डिग्रेडेबल डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट को और क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिव और परसिस्टेंट पोल्यूटेंट। मींस ये चेंज तो हो नहीं सकता, ना ये ब्रेक डाउन हो सकता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कंजर्वेटिव और परसिस्टेंट पोल्यूटेंट, ठीक है। जैसे DDT, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। तो दो टाइप के पोल्यूशन हैं, नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड पोल्यूशन, ठीक है। हम सबसे पहला डिस्कस करेंगे नेचुरल पोल्यूशन। व्हाट इज नेचुरल पोल्यूशन? तो नेचुरल पोल्यूशन क्या है? ऐसा पोल्यूशन विच इज कॉज्ड बाय नेचुरल सोर्सेज, जो नेचुरल सोर्सेज की वजह से हो रहा है, हमारे नेचर में जो पोल्यूशन हो रहा है वो नेचुरल सोर्सेज की वजह से हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शंस, या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का इमिशन होना एटमॉस्फेयर में, सॉइल इरोजन होना, यूवी रेज की वजह से कुछ नुकसान होना, डस्ट की वजह से कोई नुकसान होना, तो दिस इज़ नेचुरल पोल्यूशन, जो नेचर में खुद ही अकर हो रहा है, जिसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। देन आता है आपका एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड पोल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंथ्रोजेनिक क्या होगा? विच इज़ कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे नॉइज़, जैसे ऑटोमोबाइल्स का जो स्मोक है, जैसे स्मोकिंग, पेस्टिसाइड्स, जैसे ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज़, ये जो भी इमिशंस ऑफ इंडस्ट्रीज़, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मैन के थ्रू हो रही हैं, वो कौन किस में आ जाएगा? आपका मैन मेड पोल्यूशन में, ठीक है। और मैन मेड पोल्यूशन जो है, इट इज़ क्वाइट स्मॉल इन क्वान्टिटी एज कम्पेयर टू नेचुरल पोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैन मेड पोल्यूशन 0.05% है, तो नेचुरल पोल्यूशन कितना होता है? 99.95%। ज़्यादातर जो मेन पोल्यूशन का कॉज होता है ना, वो नेचुरल पोल्यूशन ही होता है, मैन का इतना क्वांटिटी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू नेचुरल पोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका ख़त्म होता है टाइप्स। दो उसके बाद टाइप्स ऑफ पोल्यूशन और भी हैं, लेकिन किसके बेसिस पे? सोर्स के बेसिस पे, कि कौन सा सोर्स है, मतलब कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, किधर पोल्यूशन हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोल्यूशन, पांच टाइप के पोल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पे लिखवाए हैं। सबसे पहला इज एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोल्यूशन देयर आर फाइव टाइप्स। इसके इन फाइव टाइप्स में भी आगे सब टाइप्स हैं, और भी बहुत सारे पोल्यूशंस आप पढ़ोगे इन्हीं टाइप्स के अंदर। ये कुछ मेन मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हैं, एयर, वाटर, सॉइल, रेडियो एक्टिव एंड नॉइस। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ओके क्लास। सो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन। तो वॉट इज एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन मीन्स कि हम अपने एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे केमिकल्स या कुछ ऐसे मटेरियल्स का एडिशन करवा रहे हैं,
और उनको इस कंसंट्रेशन में ऐड कर रहे हैं कि वो मटेरियल्स या केमिकल्स हमारे ऊपर या बाकी स्पीशीज के ऊपर या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट कर रहे हैं. लाइक एडवर्स इफेक्ट मींस एक बैड इफेक्ट कर रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट अपना छोड़ रहे हैं. ठीक है. सो वॉट इज़ एयर पोल्यूशन? इट इज़ द एडिशन ऑफ हार्मफुल सबस्टांसेस और एडिशन ऑफ मटीरियल्स और केमिकल्स किसमें इन टू द एटमोसफेयर इन सच कॉन्सेंट्रेशन, उस कॉन्सेंट्रेशन में दैट दे बिगिन टू एग्जर्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स या अदर स्पीशीज या ह्यूमन के एसेट्स जैसे बिल्डिंग्स वगैरह, जो भी हमारे इस एटमोसफेयर में या जो भी हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं उसके ऊपर वो क्या इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है, एडवर्स इफेक्ट. ओके. देन एयर पोल्यूटेंट्स. अब जैसे आपने पोल्यूशन पढ़ा था, वॉट इज पोल्यूशन, वैसे ही पोल्यूटेंट्स भी पढ़ा. अब सेम वही है, एयर पोल्यूशन है तो एयर के पोल्यूटेंट्स भी होंगे. सो व्हाट आर एयर पोल्यूटेंट्स? एयर पोल्यूटेंट्स वो एजेंट्स हैं जो एयर पोल्यूशन करेंगे. ठीक है. अब बोला जाता है कि टोटल अमाउंट कितना है हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूटेंट्स का. इट इज़ एस्टिमेटेड टू बी 1 × 10^12 tons, जिसमें से 0.5% जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ऐड हो रहा है. लाइक 1 × 10^12 tons जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स है हमारे टोटल इसमें एनवायरनमेंट में, जिसमें से 0.05% या बोल सकते हो 5 × 10^8 tons जो है वो पोल्यूटेंट्स ऐड किए गए हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. ठीक है. सो दिस इज़ एयर पोल्यूटेंट, मतलब जो भी एयर पोल्यूशन कॉज करेगा, जो एजेंट एयर पोल्यूशन कॉज करेगा वो एयर पोल्यूटेंट होगा. अब एयर पोल्यूटेंट के टाइप्स हैं, दो टाइप के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट क्या है? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स वो है जो रिलीज कैसे होंगे, जब भी आप फॉसिल फ्यूल को बर्न करोगे. दे आर रिलीज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. मीन्स जब भी आप कभी फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें बर्न करोगे, इनको बर्न करने से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे उनको आप क्या बोलोगे? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक है. जैसे अगर आप अनबर्न्ड फ्यूल करते थे, लाइक फ्यूल को आप पूरा बर्न नहीं कर रहे हो, इट इज़ अनबर्न्ड, पूरी तरह से बर्न नहीं हुई है, तो उसमें से जो स्मोक निकलेगी, स्मोक रिलीज होगी, उसको आप क्या बोलते हो? सूट. सूटी फ्लेम, जैसे हम बोलते हैं सूटी फ्लेम, वो ब्लैक ब्लैक सी फ्लेम होती है. ठीक है. वो प्रॉपर, मतलब उसको प्रॉपर फ्लेम भी नहीं बोलोगे, वो ब्लैक कलर का धुआं जैसा होता है. तो वो कैसे निकलता है? इट इज़ रिलीज फ्रॉम अनबर्न्ड फ्यूल. तो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है. अमोनिया, ये भी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है. कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, देन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये सारे कुछ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे बेंजोपायरीन एक हाइड्रोकार्बन है. बेंजोपायरीन कहाँ से रिलीज होता है? सिगरेट के स्मोक से. इट इज़ अ प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट. ठीक है. तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स कौन से होंगे? जो फॉसिल फ्यूल के बर्न होने पे रिलीज होंगे. जैसे ही फॉसिल फ्यूल बर्न होगा, उसमें से जो रिलीज होगा, जो भी उसमें से स्मोक या गैस जो भी रिलीज होगी, वो किसके अंदर आएंगी? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स के अंडर. ओके. नंबर सेकेंड इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? ये पॉइजनस सबस्टांस हैं जो बने कहाँ से हैं? प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स से. दीज आर दी पॉइजनस सबस्टांसेस फॉर्म्ड फ्रॉम प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स. प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स से जो पॉइजनस सबस्टांस बने वो आपके क्या आ जाते हैं? सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब क्या होता है, जैसे ब्राइट सनलाइट है, उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कुछ हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीजन. कभी कभार क्या होता है, ये चारों के चारों क्या करते हैं? आपस में इंटरैक्ट करते हैं. इंटरैक्ट करके ये क्या बनाते हैं? आपके पावरफुल फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स, जो कि कौन कौन से होते हैं? ओजोन बना देंगे, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना देंगे, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो पैन. सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स बन सकते हैं, पेरोक्साइड्स बन सकते हैं. मींस जो आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, कुछ भी मीथेन इथेन वगैरह जो भी, ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्ट करके कभी कभार बहुत ही पावरफुल फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स बनाएंगे. अब फोटोकेमिकल क्यों यूज़ किया? क्योंकि अभी मैंने क्या बात की? ब्राइट सनलाइट की. ठीक है.
तो बहुत से आपके कुछ पावरफुल एंड वेरी हार्मफुल फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स बनते हैं, जैसे ओजोन गैस बनेगी, पेरोक्साइड्स बन सकते हैं, ये पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट बन सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो बनी, ये सारी चीज़ें जब बनती हैं, ये इकट्ठा क्या बनाती हैं? ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट फोटोकेमिकल स्मॉग। ये एक स्मॉग क्रिएट कर देती है, फोटोकेमिकल स्मॉग क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? प्लांट्स के ऊपर। कैसे? क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग क्या करती है? इट रिटार्ड फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट ये क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो सीधी बात है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन, ये आपके नॉर्मली क्या थे? सारे आपके प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स थे। ठीक है, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट्स थे। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट से ही क्या बना आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बना, पैन बना, ठीक है, पेरोक्साइड्स बने, ओजोन बनी, तो ये आपके सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें पैन है, पेरोक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, इससे क्या होता है? आई बर्न, इट कॉजेज आई बर्निंग, पैन से आई बर्न होता है बहुत। ठीक है, तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। देन आता है आपका कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, व्हाट आर दी कॉजेज? तो सबसे पहला कॉज इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जैसे आपके हाइड्रोकार्बन रिलीज करते हैं प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन रिलीज कर सकते हैं। फिर जैसे पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन से लाइक हवा में जब वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, किसी किसी को एलर्जी होती है पोलन की, किसी किसी को चेस्ट डिजीज हो जाती है पोलन से। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स भी आपके एक एयर पोल्यूशन का कॉज हो सकते हैं। देन कुछ इंसेक्टिसाइड्स अगर स्प्रे कर दो, तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से हमारी बॉडी पे हार्म होगा, वो हम ब्रीद इन कर लेंगे तो उससे हमारी ही बॉडी को प्रॉब्लम हो सकती है। तो एग्रीकल्चर भी एक कॉज है एयर पोल्यूशन का। डस्ट, जैसे विंड चलती है, वॉलकैनोज निकलते हैं उसमें डस्ट निकलती है, ऑटोमोबाइल्स की डस्ट, टायर से जो रोड पर डस्ट उड़ती है, या जो जो भी ऑटोमोबाइल्स पे डस्ट वगैरह हो उससे जो रिलीज़ होगी डस्ट वगैरह, वो भी आपका एक कॉज है एयर पोल्यूशन का। देन इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ में जैसे क्या होता है, कोल पेट्रोलियम का कम्बशन होता है तो उससे निकलता है स्मोक, तो वो स्मोक कॉज करता है एयर पोल्यूशन। और इनफैक्ट इंडस्ट्रियल स्मोक जो है, ये जो इंडस्ट्रियल स्मोक है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन का मेन सोर्स ही आपका इंडस्ट्रियल स्मोक है। ठीक है, देन आता है ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स में क्या होता है, जैसे पेट्रोल डीजल इसकी कम्बशन होती है, तो ऑटोमोबाइल्स में जब पेट्रोल डीजल कम्बस्ट होता है तो उससे क्या रिलीज होती है? गैसेज या फ्यूल वगैरह, जो भी मतलब हार्मफुल गैसेज वगैरह रिलीज होती है, तो ऑटोमोबाइल्स भी आपका एक एयर पोल्यूशन का कॉज आ जाता है। देन आयनाइजिंग रेडिएशंस, जैसे क्या होता है कि जब भी कभी एटॉमिक वेपन्स को टेस्ट किया जाता है तो उनमें से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, लाइक कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, कुछ रेज निकलती हैं, हार्मफुल रेज निकलती हैं, लाइक गामा रेज। तो ये रेज कहाँ रिलीज होती हैं? एयर में। तो जब भी कभी एटॉमिक वेपन्स का टेस्ट किया जाता है तो ये रेज रिलीज होती हैं एयर में, तो जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन कॉज होता है। ठीक है, देन उसके बाद आते हैं फ्रियॉन्स। सो व्हाट आर फ्रियॉन्स? बेसिकली फ्रियॉन्स क्या होते हैं? फ्रियॉन्स हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब मींस एक तो कार्बन के भी कंपाउंड्स हैं, क्लोरीन के भी कंपाउंड्स हैं, फ्लोरीन के भी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, किसके? ऑफ मीथेन एंड इथेन, मींस क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं फ्रियॉन्स। ये फ्रियॉन्स यूज़ कहाँ किए जाते हैं? जैसे आपके रेफ्रिजरेंट्स में यूज़ किए जाते हैं, कूलेंट्स में वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो जब भी कभी आप इनको रेफ्रिजरेंट्स या कूलेंट्स में यूज़ करते हो, अब सीधी बात है ये कौन से कंपाउंड्स हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स हैं। तो जब भी आप इनको रेफ्रिजरेंट्स या कूलेंट्स में यूज़ करोगे तो ऐसे तो आपको वो मतलब ठंडी ठंडी चीज़ें देगा, बट वो अपने लाइक जैसे फ्रिज होता है, फ्रिज में ठंडी चीज़ें रखी जाती हैं, बट फ्रिज के बैक साइड से आप देखोगे वो काफ़ी गर्म एरिया होता है, तो वहाँ पर रिलीज़ क्या हो रहा होता है? सी एफ सीज़,
क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ही रिलीज हो रहे होते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ रिलीज होते हैं? एयर में, एटमॉस्फेयर में। तो ये क्या कॉज करते हैं? एयर पोल्यूशंस, ठीक है, जैसे एसीज वगैरह होते हैं। तो फ्रियॉन्स बेसिकली क्या है? फ्रियॉन्स एक्चुअली दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन। और फ्रियॉन्स को यूज़ किया कहाँ किया जाता है? रेफ्रिजरेंट्स में, कूलेंट्स में। तो उसकी वजह से रिलीज करते हैं सी एफ सीज विच ऑटोमेटिकली कॉजेज एयर पोल्यूशन, ठीक है। देन आते हैं एरोसोल्स। सो वॉट आर एरोसोल्स? एरोसोल्स क्या होते हैं? ये केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं एटमॉस्फेयर में विद फोर्स, एकदम फोर्सफुली रिलीज हो जाएंगे एकदम सडनली, ठीक है। केमिकल रिलीज इन द एटमॉस्फेयर विद फोर्स इन द फॉर्म ऑफ, अब केमिकल्स हैं वो फोर्सफुली रिलीज हो रहे हैं बट किसी फॉर्म में तो रिलीज होंगे, तो या तो वो वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होंगे या तो वो हल्की हल्की मिस्ट की फॉर्म में रिलीज होंगे। मिस्ट मीन्स जैसे आप जब परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो कैसे वो छोटी छोटी वो लाइक वाटर वेपर्स जैसी निकलती हैं, वो मिस्ट होती है बेसिकली, ठीक है। तो क्या होता है कि एरोसोल्स क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए केमिकल्स विद फोर्स, फोर्सफुली रिलीज हुए इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट और वेपर्स। जैसे अगर आप परफ्यूम स्प्रे करो, आप फोर्सफुली स्प्रे करते हो, जैसे आप परफ्यूम की बॉटल क्लिक करते हो, उसमें से जब वो मिस्ट निकलती है वो कैसे फोर्सफुली निकलती है, बस एरोसोल्स भी ऐसे ही रिलीज होते हैं एटमोसफेयर में, ठीक है। जैसे जेट एरोप्लेन्स होते हैं, जेट एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं, वो भी रिलीज करते हैं एरोसोल्स, फोर्सफुली रिलीज करते हैं वो एरोसोल्स जिसमें क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, ठीक है। अब एरोसोल्स करते क्या है? या तो ये प्लांट का स्टोमेटा ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। प्लांट का स्टोमेटा ब्लॉक करने की वजह से क्या हो जाएगा? प्लांट में गैस का एक्सचेंज नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली प्लांट को हार्म का कॉज होगा, ठीक है। तो जिस एरिया में एरोसोल्स रिलीज हो रहे हैं, अगर वहाँ पर ज़्यादा एरोसोल्स रिलीज हुए तो वहाँ का क्लाइमेट भी ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं एरोसोल्स, ठीक है। तो ये कुछ है कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब आपका इसमें एक टॉपिक है, दैट इज़ बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हाट आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स बेसिकली? अब देखिए यहाँ पे बात की गई है इंडिकेटर्स की, मीन्स ये कुछ इंडिकेट करेंगे, एंड बायोलॉजिकल वर्ड यूज़ किया गया है, मीन्स ये कुछ तो नेचुरल है, ठीक है, मीन्स और लिविंग है, ओके। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स बेसिकली होते क्या हैं? ये प्लांट्स ही होते हैं, लेकिन ये कौन से प्लांट्स होते हैं? विच आर सेंसिटिव टू सर्टन एयर पोल्यूटेंट्स। लाइक कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स से, ठीक है। मतलब अगर उनके कॉन्टैक्ट में एयर पोल्यूटेंट्स आ जाते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगी। सो सम प्लांट्स आर सेंसिटिव टू एयर पोल्यूटेंट्स। तो इन्हीं प्लांट्स को हम यूज़ करते हैं टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सच पोल्यूटेंट। अगर आपको किसी एरिया में किसी पोल्यूटेंट की प्रेजेंस निकालनी हो तो आप एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। जब आपको उस प्लांट में चेंज आता दिखाई देगा तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस एरिया में मे बी एक टाइप ऑफ पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन्हीं प्लांट्स को आप क्या बोलते हो? बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दशहरी मैंगो, जो दशहरी मैंगो है ना, उसका जो टिप होता है उसकी टिप पे टिश्यूज जो प्रेजेंट होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। वो क्यों ब्लैक होते हैं? जब भी कभी दशहरी मैंगो सल्फर डाइऑक्साइड की फ्यूम्स से एक्सपोज होगा तो उसके टिप पे जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो ब्लैक टर्न हो जाएंगे, दे विल टर्न ब्लैक, ठीक है। तो एक हमारा दशहरी मैंगो, इट इज़ अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर, ठीक है। देन उसके बाद आता है पिटूनियास। पिटूनिया प्लांट जो है वो किसकी प्रेजेंस इंडिकेट करवाता है? पैन की, ठीक है। पैन की प्रेजेंस इंडिकेट करवाएगा, उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे, उसकी लीफ में कुछ चेंजेस आ जाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं पैन की प्रेजेंस है, ठीक है। देन जैसे टोबैको और ब्लू ग्रास प्लांट्स, तो टोबैको किसकी प्रेजेंस इंडिकेट करवाता है? ओजोन की प्रेजेंस इंडिकेट करवाता है। लाइकन्स जो है, लाइकन्स फंगस एंड एलगी का एसोसिएशन, सिम्बोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड एलगी, तो लाइकन्स किसकी प्रेजेंस इंडिकेट करवाते हैं? SO2 की। लाइक अगर कभी आसपास कहीं पानी में या आसपास कहीं एटमॉस्फेयर में SO2 पोल्यूट मतलब पोल्यूशन हुआ है तो आप लाइकन्स यूज़ कर सकते हो टू इंडिकेट या टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ SO2, ओके।